हेलो गाइस, समृद्धि सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु राज्य के बारे में। तमिलनाडु राज्य से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन सभी प्रश्नों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हमारा राजस्थान राज्य हो गया है और केरल राज्य हो गया है, हेलो गाइस, समृद्धि सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु राज्य से जितने भी महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु राज्य की, तो इसकी राजधानी क्या है? सबसे पहले यही हमारा क्वेश्चन बनता है, तो इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि तमिलनाडु का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है? तो तमिलनाडु राज्य का क्षेत्रफल है 130,058 वर्ग किलोमीटर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है क्या इसकी जनसंख्या क्या है? टोटल तमिलनाडु राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो वो है 7.61 करोड़। तो ये होगी टोटल जनसंख्या। टोटल जनसंख्या में अब महिला पुरुष की भी आती है, तो इसमें जो पुरुष जनसंख्या है वो है 3.61 करोड़ और इसी में महिला की जनसंख्या है 3.60 करोड़। ठीक है, और अगला क्वेश्चन इससे ये बनता है कि राजस्थान राज्य में पूछा, मतलब मैंने राजस्थान राज्य में बताया था कितने ज़िले हैं, वैसे सेम टू सेम इसमें भी पूछा जाता है कि जो तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य इसमें टोटल ज़िले कितने हैं? वो हैं 32 ज़िले हैं। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जनसंख्या घनत्व क्या है? तमिलनाडु राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन है कि जो ये तमिलनाडु राज्य, इसकी सीमा क्या है? तो छोटा सा डायग्राम बना के समझाएंगे ऐसे करके, इसमें ध्यान से समझिएगा कि जो सीमा उत्तर में आंध्र प्रदेश है, इस साइड में जो है वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, तथा कर्नाटक है। दक्षिण में हिंद महासागर, जब इधर चले आओगे तो तुमको यहाँ पे हिंद महासागर मिलेगा, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में केरल है। ठीक है, तो ये डायग्राम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसकी मुख्य भाषा क्या है? अब तमिलनाडु एकदम दक्षिण भारत है, तो कुछ भाषा भी चेंज होगी इसकी, तो इसकी भाषा तमिल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसके उच्च न्यायालय जो है वो चेन्नई में है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु जो राज्य है उसका जो उच्च न्यायालय वो कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जो तमिलनाडु है उसका राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र हैं वो है कोडाइकनाल के पर्वतीय स्थान, ठीक है, कन्याकुमारी इम्पोर्टेंट है, चिदम्बरम का नटराज मंदिर ये भी इम्पोर्टेंट है, तंजावुर का बृद्धेश्वर मंदिर काफ़ी बार प्रश्नों में पूछा गया है क्वेश्चनों में, और मीनाक्षी मंदिर मदुरई ये तो एग्जाम में चल ही रहा है इस समय, मरीना बीच ये भी वहीं है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान ये इतना इम्पोर्टेंट है तमिलनाडु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु राज्य और से जुड़ी जानकारी है, इसका प्रमुख त्यौहार के बारे में बात करते हैं। तो इसके प्रमुख त्यौहार है पोंगल, नौका पर्व। पोंगल के बारे में तो आप लोगों ने सुना है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन आ जाता है। नौका पर्व पूछा जाएगा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो वो तमिलनाडु राज्य का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो राजकीय पशु है तमिलनाडु राज्य का, तो वो है नीलगिरी ताहर। अब भाई ताहर क्या चीज़ है, इसको एक बार आप गूगल पे करके देख लीजिएगा, गूगल पे जाके देख लीजिएगा ताहर क्या चीज़ है। आगे बढ़ते हैं।
राजकीय पक्षी क्या है इसका? तमिलनाडु राज्य का राजकीय पक्षी, हर एक राज्य का एक राजकीय पक्षी होता है, तो ऐसे भी इसका राजकीय पक्षी दाबिल है। इसका कुछ ऐसे बोलते हैं चमच बाज, इसको भी आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, गूगल पे क्लियर हो जाएगा। इसके विधानमंडल के बारे में बात करते हैं, तो इसका भी विधानमंडल एक सदनात्मक है। और फिर आगे बात करते हैं 16 नंबर पे है कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसमें टोटल विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो है 234। तमिलनाडु राज्य के बारे में बात हो रही है, ठीक है, इसमें टोटल विधानसभा सदस्यों की संख्या 34 है और लोकसभा सदस्यों की संख्या 39 है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 18। तमिलनाडु से राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, वो 18 है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु को, एक मिनट, तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है, ठीक है, तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इधर ध्यान रखिएगा, भारत का संतरी किसे कहा जाता है, तो वो तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण नोक केप कोमोरिन, ध्यान रखिएगा नोक केप कोमोरिन, एक कन्याकुमारी को बोला जाता है, ये तमिलनाडु में है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बात है यहाँ पे कि जो कन्याकुमारी का नाम दिया होगा तब तो क्लियर, बट अगर ये दे देगा नेप कोप कोमोरिन तो कन्फ्यूजन आ जाएगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 में मद्रास राज्य का गठन हुआ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 में मद्रास राज्य का गठन हुआ था, इसका सन याद रखिएगा 1956। आगे बढ़ते हैं हम, ये कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बनता है यहाँ से कि दिसंबर 1968 में मद्रास को नया नाम तमिलनाडु दिया गया था। अब सबसे बड़ी बात यह कि जो तमिलनाडु नाम पड़ा तो वो 1968 में पड़ा था, 1968 में पड़ा था, ठीक है, ध्यान रखिए वो भी दिसंबर में दिया गया था। अगला क्वेश्चन ये है, श्रीमती एनी बेसेंट की होम रूल का प्रधान कार्यालय ओडीआर मद्रास में ही था, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिक जनसंख्या वाला जिला कोयम्बटूर है, अब तमिलनाडु में जो सबसे अधिक जिला हुआ, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा, कोयम्बटूर है। स्टैटिक जीके में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, बस यही सब आपको तैयार होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन पूछा, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो पेरम्बटूर है, पेरम्बदूर, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, पेरम्बटूर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनता है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, त्रिचिरापल्ली है, ठीक है, तमिलनाडु राज्य का एक जिला है त्रिचिरापल्ली, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला चेन्नई है, ठीक है, ये तमिलनाडु राज्य की बारे में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा, पूछा जाएगा अगर तमिलनाडु राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो चेन्नई है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ये क्वेश्चन LLB में पूछा गया था, LLB के एग्ज़ाम पूछा गया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, ठीक है, मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जो तमिलनाडु मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई 1996 में किया गया था, अरे मद्रास है, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया, तो 1996 में किया गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब धीरे धीरे क्वेश्चन अब पेपरों में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु की प्रमुख पर्वत शिखर जो तोदा बेटा है, जियोग्राफी का क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं भूगोल, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, भूगोल से रिलेटेड है।
अगला क्वेश्चन है कि जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ये पेरम्बटूर में, ये वही थोड़ा मिस्टेकिंग टाइपिंग में पेरम्बटूर है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, पेरम्बटूर में स्थित है। तो तमिलनाडु राज्य से हमारे टोटल 31 क्वेश्चन हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस राज्य से बस यही सब क्वेश्चन बनते हैं, वन डे एग्ज़ाम में यही सब कुछ आ जाता है। तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। ठीक है, जय श्री राम, जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.